बागर मऊ CHC में समय से इलाज न मिलने पर बच्चे की मौत हो गई है। कक्ष के बाहर प्रसव पीड़ित की हुई डिलीवरी, नाराज परिजनों ने स्टाफ नर्स पर लगाया लापरवाही का आरोप। बागर मऊ CHC में बड़ी लापरवाही आई सामने। कहते हैं कि कई लेडीज डॉक्टर हैं, लेकिन रात्रि के समय कोई भी अस्पताल में नहीं रुकता। उन्नाव के लाचार, स्वास्थ्य सेवाओं पर खुली पोल। आखिर नवजात बच्चे की मौत का कौन होगा जिम्मेदार? आइए जानते हैं मोहम्मद इरफान खान की रिपोर्ट से पूरी जानकारी। बच्चे को देखा नहीं गया और भगा दिया गया, इसीलिए हमारे बच्चे की बाहर ही जन्म हो गई, वो भी मरा हुआ बच्चा जन्म लिया। क्या है पूरा मैटर सर? एक्चुअली ये घटना 14 अक्टूबर 2018 की रात 8 की घटना है। ये नदीपुरवा की एक प्रसूता आई थी, उनको बाकायदा यहाँ देखा गया है और ना ही मेरे यहाँ स्टाफ नर्स वो भी और दो स्टाफ नर्स ड्यूटी पे थी, किसी को भगाया नहीं गया है। डिलीवरी करवाई गई है और उसमें डिलीवरी में बच्चा मरा हुआ उसमें हुआ। सर उसका आरोप है कि हमने 3 बार अंदर गए, 3 बार यही कह दिया गया, अब 2 घंटे बाद आइएगा, 4 घंटे बाद आइएगा। नहीं ऐसा जो मैंने भी प्रथम दृष्टि में जो मैंने वो जांच में पाया, ऐसा कतई कहीं नहीं मिला कि किसी को यहाँ से भगाया गया। अगर सर जांच में सही पाया जाता है तो क्या ऊपर कार्रवाई के लिए आप करेंगे? बिल्कुल, मैं अगर जांच में अगर सही अगर ये आरोप लगे जो लगाया जाए, लेकिन मैंने जो जांच किया है उसमें कहीं ऐसा नहीं निकला है कि स्टाफ नर्स की इसमें कोई संदिग्ध भूमिका हो, क्योंकि उस रात में 12 डिलीवरी हुई है, जिस रात की घटना हुई थी उस रात में 12 डिलीवरी हुई है। और चूँकि ये डिलीवरी के बाद मरा हुआ बच्चा होना एक समान, सर उसका आरोप है कि बच्चा बाहर जन्म लिया है, ना कि अंदर में एडमिट नहीं किया गया, गेट पे बच्चे ने जन्म लिया। जो इसके डॉक्यूमेंट और ये सब देखने पे ऐसा कहीं प्रतीत नहीं हुआ कि डिलीवरी बाहर हुई है। ये बताओ हॉस्पिटल में है जो नर्सों ने आपको परेशान किया, आपका बच्चा चला गया है ना? चाहते तो बच्चा हमारा सही मिल जाता। अच्छा, तो नहीं वहाँ INM लोग जो अपना निछावर रूप से पैसा मांगती हैं, तो वो तो सब इंसान देती है। जब बच्चा हमारा होता तो हम पैसा देते। कितना? जो कुछ मांगती है 100, 200, 300। ऐसा तो नहीं पैसा ना देने के कारण बच्चा छिन गया आपका? नहीं ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं।